हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एवन ट्यूटर। फ्रेंड्स, आपके लिए एक बहुत बड़ी अपडेट है। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हो कि देखिए, आपका नेशनल हाउसिंग बैंक असिस्टेंट मैनेजर का जो फेज वन का जो रिजल्ट है आ चुका है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड, रिक्रूटमेंट ऑफ असिस्टेंट मैनेजर स्केल वन। तो यहाँ देख सकते हैं जो भी कैंडिडेट को सेलेक्ट किया गया है उन कैंडिडेट को मतलब कि इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। तो यहाँ पर आप अपना रोल नंबर जो है चेक कर सकते हो। मैं इसका जो PDF लिंक है डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। ओके फ्रेंड, आप देखिए फ्रेंड, यहाँ पे आप लोग डिटेल में देख सकते हो। मैं इसको जूम कर दे रहा हूँ थोड़ा। देखिए, टोटल जो है शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट को किया गया, 184 कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट किया गया है, देख सकते हैं। और फेज टू में इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। तो इंटरव्यू में कहाँ पे बुलाया जाएगा यहाँ पे सारा कुछ मेंशन है, आप लोग देख सकते हो। इंटरव्यूज ऑफ शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट इज लाइकली टू कमेंस फ्रॉम द सेकेंड वीक ऑफ जून। तो आपका जो जो कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट किए गए हैं फेज टू के लिए इंटरव्यू के लिए, उनको सेकेंड वीक ऑफ जून में मतलब उनका इंटरव्यू होगा। कहाँ पे होगा? तो इंटरव्यूज विल बी हेल्ड एट NHB हेड ऑफिस इन न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली में आपका होगा नेशनल हाउसिंग बैंक जो मतलब हेड ऑफिस है न्यू दिल्ली में, वहाँ पे होगा। सारा देखिए कॉल लेटर आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, विद डिटेल में यहाँ पे दिया हुआ है फ्रेंड। द फैसिलिटी फॉर डाउनलोडिंग ऑफ ई कॉल लेटर फॉर द इंटरव्यू टेस्ट विल बी मेड अवेलेबल ऑन आवर वेबसाइट। तो वेबसाइट पे ई कॉल लेटर मतलब डाल दिया जाएगा, आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं कॉल लेटर को, ठीक है। द बैंक विल ऑल्सो अपलोड द इंटरव्यू टेस्ट स्केड्यूल ऑन इट्स वेबसाइट ड्यू कोर्स। तो बैंक अपना जो है मतलब आपका इंटरव्यू का टेस्ट का जो स्केड्यूल है वो भी मतलब डाउनलोड कर देगा। आप लोग ऑफिशियली वेबसाइट पे जाके विजिट करके आप अपना मतलब कॉल लेटर को डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो वीडियो पसंद आया हो दोस्तों तो जरूर से जरूर लाइक करें एंड शेयर करें आगे के अपडेट्स के लिए। जैसे ही मतलब ई कॉल लेटर डाउनलोड कर मतलब ये पब्लिश कर दिया जाता है, मैं आप वीडियो बना दूंगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन दबा दें। ओके, तो चलिए फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।